नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण की न्यूज अपडेट। दूसरे चरण की न्यूज अपडेट से पहले दोस्तों हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। चैनल की अगली विशेष प्रस्तुति होगी राया मथुरा यानी नए वृंदावन की गहन पड़ताल, किन गांव की जमीन पर कितने क्षेत्रफल में कहां से कहां तक बसाया जाएगा राया मथुरा अर्बन सेंटर और नया वृंदावन, हमारी अगली विशेष प्रस्तुति में देखना ना भूलें। तो दोस्तों अब हम आपको दिखा रहे हैं जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण की न्यूज अपडेट। दूसरे चरण की जमीन अधिग्रहण को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके बाद जिला प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्दी ही जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में जितने भी गाँव, जमीन, रसवाहे, माइनर, बिजली की लाइनें, स्कूल, तालाब आ रहे हैं, उन सभी का सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कराया जाएगा। क्या होता है यह सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, कितने दिन में किस तरह पूरा होगा और दूसरे चरण में क्या है जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का पूरा प्लान, आइए देखें पूरी रिपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के जमीन अधिग्रहण को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। वहीं जिला प्रशासन ने प्रभावित गांव, परिवारों और जमीन का अध्ययन करने के लिए प्रस्ताव स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश शासन के पास भेज दिया है। जिला प्रशासन ने सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी SIA एवं किसानों की सहमति के लिए प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के पास भेजा है। प्रस्ताव पास होते ही दोनों काम शुरू हो जाएंगे, 2 महीनों में दोनों काम पूरे हो जाएंगे। इसके बाद धारा 11 की कार्रवाई होगी। धारा 11 की कार्रवाई में किसानों को जमीन का मुआवजा देकर प्रस्तावित जमीन पर कब्जा ले लिया जाएगा। क्या होता है SIA यानी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, आप यह भी जान लें। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में जिन गांव की जमीन जा रही है, जो किसान इससे प्रभावित हैं, क्या स्थिति है मौके पर, इसका सर्वे कराएगा प्रशासन। कितने गांव के परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जमीन की स्थिति कैसी है, दुकान, मकान, पेड़ पौधे, बोरिंग, ट्यूबवेल से लेकर बिजली की लाइनें, रजवाहे, माइनर और क्या क्या सरकारी गैर सरकारी जमीन और निर्माण इस क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं, कितने प्रभावित परिवारों का क्या आकलन रहेगा, क्या मुआवजा रहेगा, क्या रहेगी पूरी स्थिति, इसका अध्ययन किया जाएगा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में। दूसरे चरण में किन किन गाँव की कितनी जमीन का होगा अधिग्रहण और क्या होगा दूसरे चरण में जेवर एयरपोर्ट की परियोजना का निर्माण कार्य, आइए यह भी जान लें। नगला शाहपुर की 15 हेक्टेयर, मुडरह की 43 हेक्टेयर, बीरमपुर की 96 हेक्टेयर, दयानतपुर की 165 हेक्टेयर, करौली बांगर की 183 हेक्टेयर, कुरैब की 345 हेक्टेयर और रनेरा गांव की सबसे अधिक 519 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा। नगला शाहपुर की मात्र 15 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा, वहीं रनेरा की सबसे अधिक 519 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा। जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण का सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट GBU यानी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने किया है। उम्मीद है कि दूसरे चरण का सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करने की अनुमति GBU को मिल सकती है। दूसरे चरण में क्या क्या निर्माण होगा जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर, आइए यह भी जाने। दूसरे चरण में कुल 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। इस चरण में तीसरा रनवे और 1 MRO सेंटर बनना है, इसके लिए जमीन का अधिग्रहण होगा। दूसरे चरण के लिए 7 गांव की जमीन का अधिग्रहण होगा। MRO सेंटर क्या होता है, आइए यह भी जान लें। MRO सेंटर यानी विमानों के मेंटेनेंस की सुविधा वाला केंद्र, यहाँ देश का सबसे बड़ा MRO सेंटर बनेगा। अभी तक देश में विमानों के मेंटेनेंस की सुविधा नहीं है, इसलिए यहाँ पर बड़ा MRO सेंटर बनाया जाएगा। देश के विमानों की अभी तक दूसरे देशों में रिपेयरिंग कराई जाती है, इसके बन जाने से समय और ईंधन की बचत होगी, साथ ही मेंटेनेंस इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे थे जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण की न्यूज अपडेट। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, पुश द बेल आइकन एंड शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक्स।